प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 8 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 15 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया है। आराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामन को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामन द्वारा आरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था किंतु कोढ़ी था। आरामी छापा मार किसी समय इसराइल के देश से एक कन्या को उठाकर ले आए थे और वह नामन की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, ओह यदि मेरे स्वामी सामारिया में रहने वाले नबी से मिलने जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामन ने अपने स्वामी को बताया कि इसराइली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर आराम का राजा बोला, तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हें इसराइल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामन चल पड़ा और वह चांदी के 10 तोड़े, सोने की 6,000 आशर्फियाँ और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इसराइल के राजा को वह पत्र दिया, उसमें यह लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामन को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दें। इसराइल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़कर बोल उठा, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता हूँ। तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए क्यों मेरे पास भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलीशा को यह पता चला कि इसराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएगा कि इसराइल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामन अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलीशा के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीशा ने उसे यह संदेश कहला भेजा, आप जाकर यर्दन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रुद्ध हो उठा और यह कहते हुए चला गया, मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर उसे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क की अबाना और फरपर नामक नदियों का जल इसराइल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उसे समझाने लगे, पिता यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए उसने जाकर यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलीशा के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इसराइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद।
और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 से 30 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, एलियस और एलिसेयुस की तरह यीशु केवल यहूदियों के पास नहीं भेजे जाते हैं। यीशु ने नाजरेत आकर सभागृह में लोगों से कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इसराइल में बहुत सी विधवाएं थीं, फिर भी एलीशा उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलिसेयुस के दिनों में इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, ईश्वर इस संसार के स्वामी हैं, वह सर्वत्र विद्यमान है। उसे सभी जाति, भाषा, धर्म और समुदाय के लोग प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर का अनुग्रह उनको प्राप्त हो सकता है। इसराइल का ईश्वर सिर्फ इसराइलियों के लिए नहीं, जैसा कि यहूदी लोग सोचा करते थे, परंतु संपूर्ण मानव जाति का ईश्वर है। लेकिन यह भी सत्य है कि यदि लोग अपने सच्चे हृदय से उसकी खोज करें तो ईश्वर उन्हें जरूर मिलेंगे। आज के पहले पाठ में हमने नामन के बारे में सुना। नामन एक गैर यहूदी व्यक्ति था, वह एक महान योद्धा था। उसी के कारण प्रभु ने आरामियों के राजा को विजय दिलाई थी, जिसके कारण वह आराम के राजा का कृपा पात्र बन गया था। लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है कि वह कोढ़ग्रस्त व्यक्ति था। उसकी पत्नी की सेवा सत्कार के लिए एक लड़की थी जो कि इसराइल के देश से दासी के रूप में लाई गई थी। वह दासी अपने स्वामी के दुख को देखकर उसे नबी एलिसै के पास जाने के लिए कहती है, जिससे वह उसे चंगा कर दे। नामन ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसके विश्वास के द्वारा वह इसराइल के प्रभु ईश्वर के पास पहुंच गया। इसराइल के राजा ने नामन को नबी एलिसै के पास भेजा। नामन इसी विश्वास के साथ नबी एलिसै के पास गया कि नबी एलिसै उसके कोढ़ग्रस्त शरीर पर कोई दवाई लगाएं या फिर उस जगह पर स्पर्श करें जिससे वह ठीक हो जाए। लेकिन जब नामन वहां पहुंचा तो उसके सोच के विपरीत कार्य हुआ, क्योंकि नबी ने उसे कहला भेजा कि वह यर्दन नदी में 7 बार स्नान करे और अपने शरीर को स्वच्छ करे तथा अपने कोढ़ की बीमारी से शुद्ध हो जाए। नबी की बातों को सुनकर नामन आग बबूला हो गया, क्योंकि वह साहसी होने के साथ साथ घमंड से भरा था। अतः उसने नबी द्वारा बोले गए कार्यों को करना ना चाहा। लेकिन जब उनके सेवकों ने उससे अनुनय विनय करते हुए जैसे नबी ने कहा था वैसे करने को कहा, तब उसने यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई। हो सकता है कि वह पूर्ण विश्वास के साथ नदी में ना उतरा हो, लेकिन जब वह नबी के कहे अनुसार कार्य किया
तो उसका शरीर फिर छोटे बालकों के शरीर जैसे स्वच्छ हो गया। जब नामन ने देखा कि उसके साथ क्या हुआ है, वह अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है, उसका घमंड टूट गया और वह सांसारिक गौरव गरिमा को त्याग कर इसराइल के ईश्वर पर विश्वास किया। वह अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए नबी एलिशय के पास गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इसराइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, इसराइल का ईश्वर सिर्फ यहूदियों के लिए ही नहीं वरन गैर यहूदियों के लिए भी कार्य करता है। नामन ईश्वर के निर्देशों का पालन करता है जो नबी के माध्यम से दिया जाता है और वह चंगा हो जाता है। वह इसराइल के ईश्वर को एकमात्र ईश्वर के रूप में स्वीकार करता है क्योंकि वह निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार होता है। ईश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है क्योंकि मुक्ति सबों के लिए है। हमें जरूरी है कि हमारे जीवन में ईश्वर को कार्य करने के लिए हमारे दिल को सदा खुला रखना है। आज हमारे बीच नबी नहीं है जो ईश्वर की बातों को हमें बताएं, जैसे कि इसराइलियों में थे, लेकिन आज हमारे पास पवित्र बाइबल है जो हमारा मार्ग सत्य और जीवन है। अतः हमें प्रभु के वचनों को पढ़ने, उस पर मनन करने तथा उसके अनुसार जीवन यापन करने की जरूरत है। और आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि यीशु अपने ही नगर अर्थात नाजरेत के लोगों से नाराज प्रतीत होते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों से कहा, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। यीशु शायद यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को विशेष रूप से इसराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और बचाने भेजा है, किंतु लोग यीशु को नहीं पहचान सके। यीशु की बुद्धिमता, प्रज्ञा, अधिकार और ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास नहीं किए। उन्होंने कहा, इसे यह ज्ञान और सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? उन्होंने यीशु को तिरस्कार किया, यीशु से ईर्ष्या और घृणा किए। वे उन्हें पत्थरों से मार डालना चाहते थे। उन्होंने ईश्वर की कृपा, मुक्ति और आनंद के संदेश को ठुकराया और अपना हृदय कठोर बनाया। इसी प्रकार पुराने व्यवस्थान के नबियों को भी इसराइलियों ने विरोध किया और उन्हें सताया। इस प्रकार हम सुसमाचार में पाते हैं कि यीशु अपने नगर में प्रेरित कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं क्योंकि अपने लोग उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वे उनमें विश्वास नहीं करते हैं कि कैसे ईश्वर इस साधारण युवक जो उनके ही नगर का है उनके द्वारा कार्य कर सकता है। इसलिए यीशु उन्हें नामन का उदाहरण देते हैं। ईश्वर यह निर्णय लेते हैं कि किस प्रकार मुक्ति मनुष्यों तक पहुंचे। ईश्वर किसी के माध्यम से कार्य करते हैं। हमारा मानवीय स्वभाव दूसरों की अच्छाई को देखने में कठिनाई महसूस करता है। हमें सचेत रहने की आवश्यकता है कि हम अपने परिचितों का न्याय ना करें, बल्कि यह सीखने की कोशिश करें कि ईश्वर उनके माध्यम से भी कार्य कर रहे हैं। इस चालीसे के समय हम भी यीशु को खोजने का प्रयत्न करें। हमें भी नामन की तरह शुद्ध एवं पवित्र बनना है। हमें नाजरेत के लोगों के समान नहीं बल्कि गैर यहूदियों के समान जिन्होंने यीशु में विश्वास किया, हम भी विश्वास करें, अपने जीवन के सभी पापों एवं बुराइयों को त्याग कर प्रभु के पास आएं। पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण कर हम भी नामन की तरह यर्दन नदी में डुबकी लगाकर पवित्र हो जाएं।
ईश्वर का वचन हमारे पास है, हम उसे स्वीकार करें और अपने जीवन में आत्मसात करें और जीवन भर ईश्वर का गुणगान करते रहें। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें कृपा प्रदान करे जिससे कि हम भी उस इसराइली दासी की तरह प्रभु के वचनों को उन लोगों तक पहुंचाने में समक्ष हो सके जो प्रभु ईसा मसीह के प्रेम, दया एवं क्षमा से अनभिज्ञ हैं। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा अनुरोध है, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।